अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ना हम फाइव इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो एलिमेंट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरस्ट्रक्स में भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों सबसे पहले ये आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स बेटा वो एलिमेंट हैं जिनमें क्या होता है, दो चीज़ें सेम हो सकती हैं। यहाँ तो सेम होगा क्या, एन माइनस सी, और उनमें क्या सेम होगा, सेम होगा ए माइनस टू जी। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लोरीन 919 और साथ में है पोटाशियम 1939। अब प्यारे बच्चों दोनों के देखते हैं, सबसे पहले एन माइनस सी। तो प्यारे बच्चों फ्लोरीन में न्यूट्रॉन है 10 और इसका प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर है 9, तो एन माइनस जी वैल्यू क्या आई, ये आई 1। दूसरी तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके एन माइनस जी देखते हैं, पोटाशियम में न्यूट्रॉन है 20 और इसका एटॉमिक नंबर है 19, तो इसकी भी एन माइनस जी वैल्यू क्या आई, 1। सेम, तो एन माइनस वन एन माइनस जी वैल्यू क्या है, सेम है, 1 है। अच्छा दूसरा प्यारे बच्चों इनमें क्या सेम होता है, ए माइनस टू जी यानी मैक्स नंबर माइनस 2 एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। अच्छा प्यारे बच्चों मैक्स नंबर है फ्लोरीन का 19 और उसका एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18, तो ए माइनस टू जी की वैल्यू भी इसकी क्या आई, 1। अच्छा दूसरे पोटाशियम में देखो, ए माइनस टू जी, अच्छा पोटाशियम का 39 है और इसका एटॉमिक नंबर आप उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 38, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो फ्लोरीन और पोटाशियम आइसोडायफर्स हैं क्योंकि इनके एन माइनस जी वैल्यू सेम है और उनकी ए माइनस टू जी वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा प्यारे बच्चों दूसरी एग्जांपल है हमारे पास यूरेनियम 92-238 और हमारे पास है थोरियम 90-234। सबसे पहले दोनों के एन माइनस जी वैल्यू देखते हैं। तो पहले बच्चों यूरेनियम में न्यूट्रॉन होते हैं 146 और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर है 92, तो इसके एन माइनस जी वैल्यू क्या आएगी पहले बच्चों, 54। थोरियम की देखते हैं एन माइनस जी वैल्यू, बेटा थोरियम में न्यूट्रॉन है 144 और इसका एटॉमिक नंबर है 90, तो यहाँ पे भी क्या आया, एन माइनस जी वैल्यू 54। ठीक है, अब दोनों की पहले बच्चों देखते हैं ए माइनस टू जी वैल्यू। ठीक है, अच्छा पहले बच्चों मैक्स नंबर है यूरेनियम का 238। अच्छा इसकी 2g क्या होगी, 92 का डबल कितना होगा, 184, तो आप 238 माइनस 184 करोगे तो ये आ जाएगा 54। अच्छा दूसरी तरफ थोरियम में पहले बच्चों ए माइनस टू जी देखते हैं, देखो इसका ए मास नंबर है 234, तो 234 माइनस 2g करते हैं तो 90 का 2g क्या होगा, 180, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 54। अब देखो प्यारे बच्चों यूरेनियम और थोरियम में क्या है, एन माइनस जी वैल्यू सेम है और ए माइनस टू जी वैल्यू सेम है। अगर ये सेम हो तो यूरेनियम और थोरियम आपस में क्या है, आइसोडायफर्स। अच्छा प्यारे बच्चों हमारे पास दूसरी जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन टर्म है आइसोटोन्स। अच्छा प्यारे बच्चों वो एलिमेंट्स आइसोटोन्स हैं जिनका क्या होता है, सेम क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्यारे बच्चों एग्जांपल्स देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन का आइसोटोप है 614, नाइट्रोजन है हमारे पास 715 और ऑक्सीजन का आइसोटोप है हमारे पास 6816। अच्छा प्यारे बच्चों अब आप देखिए इनमें न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। अच्छा न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, आपको पता है न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए यहाँ पर 8। फिर बच्चों इसका मास नंबर है 15 और एटॉमिक नंबर है 7, तो ये आए 8।
और फिर प्यारे बच्चों ऑक्सीजन में मैच नंबर है 16, एटॉमिक नंबर है 8, तो ये भी क्या है 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, ये क्या है आपस में आइसोटॉन्स है। अच्छा प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है सिलिकॉन 14, 30 हमारे पास है सिलिकॉन, और हमारे पास है फास्फोरस 15, 31 और हमारे पास है सिलिकॉन सल्फर 16, 32। अब यार बच्चों देखो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। देखो प्यारे बच्चों मास नंबर है 30 और एटॉमिक नंबर है 14, तो ये प्यारे बच्चों क्या आया हमारे पास 16। अच्छा इसमें मास नंबर है 31, एटॉमिक नंबर 15, तो ये कितना आया प्यारे बच्चों, ये भी 16। और प्यारे बच्चों सल्फर में मास नंबर है 32, एटॉमिक नंबर है 16, तो ये भी कितना आया 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो सिलिकॉन 14, 30, फास्फोरस 15, 31 और सल्फर 16, 32 आपस में क्या है आइसोटॉन्स है। अच्छा प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास आइसो बार्स। अच्छा प्यारे बच्चों आइसो बार्स क्या होते हैं, आइसो बार्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका क्या होता है सेम मास नंबर होता है, यानी ए सेम होता है लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, यानी जी डिफरेंट होता है। तो प्यारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम की और ऑर्गन की। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ऑर्गन का है 18, लेकिन मास नंबर देखो इसका भी 40 है और इसका भी 40। देखो मास नंबर सेम है लेकिन क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या है आइसो बार्स। अच्छा पहले बच्चों इसी तरह जिंक एंड कॉपर भी आपस में क्या है आइसो बार। फिर बच्चों जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कॉपर का है 29, जिंक का मास नंबर है 60 और कॉपर का भी क्या है 60। तो मास नंबर सेम है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या है आइसो बार्स। अच्छा पहले बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है आइसोस्टर्स। अच्छा प्यारे बच्चों आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ऐसी केमिकल स्पीशीज हैं या ऐसे कंपाउंड हैं या ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एग्जांपल में है हमारे पास सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन N2। अच्छा प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है N2। अब प्यारे बच्चों देखो एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे दो एटम है और इसके भी एक मॉलिक्यूल में क्या है दो एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है 2। अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ऑक्सीजन में होते हैं 8, टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 40। अच्छा प्यारे बच्चों नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 7+7 कितने हो गए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, प्यारे बच्चों कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, हो गए 14। सेम केस नाइट्रोजन में 7+7, तो उसमें भी कितने हो गए 14 प्रोटॉन। फिर प्यारे बच्चों देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, हो गए 14। नाइट्रोजन में भी प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन होते हैं 7, दोनों नाइट्रोजन में 7, तो हो गए 14। तो प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन N2 आपस में क्या है आइसोस्टर्स है, नंबर ऑफ एटम्स भी पर मॉलिक्यूल सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी सेम है। प्यारे बच्चों सेम फैशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है प्यारे बच्चों, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं
नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी सेम होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपस में क्या है, आइसोस्टर्स। अच्छा प्यारे बच्चों, हमारे पास आज की लास्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। प्यारे बच्चों, ये आयोन्स या एटम है, इनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास है सिलिकॉन प्लस 4, हमारे पास है एल्यूमिनियम प्लस 3, मैग्नीशियम प्लस 2, हमारे पास है सोडियम प्लस 1, हमारे पास है नियॉन, हमारे पास है प्यारे बच्चों फ्लोराइड ऑक्साइड और नाइट्राइड। अब प्यारे बच्चों देखो, अब इनका एटॉमिक नंबर देख लो, तो एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 14 है, 13 है, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। अब प्यारे बच्चों इसके पास एटॉमिक नंबर 14 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन प्लस 4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 14 माइनस 4 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो उसके पास भी कितने हैं, 10। 12 इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीशियम के पास, प्लस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कितने, 10। सोडियम के पास प्यारे बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कितने हैं, 10। नियॉन के पास प्यारे बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही है। फ्लोरीन प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, और माइनस 1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और माइनस 2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कितने हो गए, 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो कितने हो गए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन 10। तो प्यारे बच्चों ये सब जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।